तो करप्शन को जितना हो सके कम किया जाए और करप्शन को हटाया जाए राज्य से। हम भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं। अभी तक राज्य में नए मुख्यमंत्री निवास का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? आप लोग बड़े बड़े इमारतें बना रहे हो, बड़े बड़े मकान आप लोग बना रहे हो, अच्छी अच्छी होटलें बना रहे हो, हमारे बताए बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि करप्शन को अब हमें लड़ना पड़ेगा, करप्शन से हमें फाइट बैक करना है, करप्शन को और बर्दाश्त नहीं करना है। सीबीआई और ईडी की रिकमेंडेशन भी करवा दीजिए ताकि हम भी यहाँ से लौट कर अरुणाचल आ सके, आपके पास अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता, अपने बहन के पास हम पहुँच सके। लोगों को लगता है कि करप्शन करने में कोई हर्ज नहीं है और हमें लगता है कि करप्शन बहुत बुरा है, करप्शन में कोई खुश नहीं है। तो करप्शन को जितना हो सके कम किया जाए और करप्शन को हटाया जाए राज्य से, तो लोगों के हित के लिए अच्छा होगा। इन्हीं विचारधाराओं के कारण हम थोड़े से हमारे रास्ते अलग हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक नहीं है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आए होंगे या फिर आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहते हो, जिस भी पार्टी के अंदर रहकर आप सरकार चलाते होंगे, आप राजनीति में हो या फिर कुछ लोग राजनीति में नहीं है, व्यवसाय में है, कुछ भी हो, कुछ नौकरी पैसे में है, फिर भी हम परिवार है, हम एक है। हमें एक दूसरे के बीच में अराजकता नहीं फैलानी है, नफरत नहीं फैलानी है। हमें आपसी सद्भावना के साथ, प्रेम भाव के साथ अपने अपने मुद्दों को अपने तरीके से रख करके हमें अपने मुद्दों पर चर्चा करना है। तो हम अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक चलकर इसलिए आए कि हम भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं और वहाँ पर आप ये बोल रहे हो, आप ये मान रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट है। तो मुख्यमंत्री जी, आपके कार्यकाल को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, 7 साल कुछ करीब हो गए हैं। आज तक लेट कालिको फूल जी जो थे, उन्होंने इतना भयानक एक निश्चय किया, फैसला किया कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री निवास पे ही उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। उसके बाद आपने उस मुख्यमंत्री निवास को स्टेट गेस्ट हाउस डिक्लेयर कर दिया और स्टेट गेस्ट हाउस डिक्लेयर करने के बाद आज 7 साल से ऊपर हो रहे हैं आपके कार्यकाल को एज ए मुख्यमंत्री, अभी तक राज्य में नए मुख्यमंत्री निवास का निर्माण क्यों नहीं हुआ है? ऑफिशियली कोई सीएम बंगलो क्यों नहीं है आज तक छलोपनाओ, जबकि प्राइवेटली आप लोग बड़े बड़े इमारतें बना रहे हो, बड़े बड़े मकान आप लोग बना रहे हो, अच्छी अच्छी होटलें बना रहे हो, बड़े बड़े बहुत सारे आप लोग प्राइवेट सेक्टर में बिजनेसेस आप लोग बढ़ा रहे हो अपने बिजनेसेस को, तो फिर हमारा ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर बंगलो आज तक क्यों नहीं है? इस पर भी जरा विचार विमर्श कीजिए। क्या आप लोगों को राज्य के सरकार को हर एक बात, हर एक छोटी मोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, छोटी से छोटी बात, क्या हम टीम एएसी को ही बताना पड़ेगा? हमारे बताए बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना भी हम पर निर्भर मत रहिए, हम इतने भी मतलब वो नहीं है कि हम जो बोले आप वो करें और हम जो ना बोले वो आप ना करें। और जिन चीजों को हम देख करके अनदेखा कर रहे हैं तो हमारे साथ आप भी अनदेखा करो। हम कुछ चीजों को इसलिए छोड़ के रखते हैं कि आप खुद ही उसको देख लो और खुद ही उसको आप सुधार लो। तो इतना ज्यादा टीम एएसी प्रेसिडेंट तमे तुबिन जी के ऊपर निर्भर मत रहिए कि सब कुछ आपको तमे तुबिन ही सिखाए, तमे तुबिन ही बताए कि अरुणाचल के गवर्नमेंट को कैसा फंक्शनिंग और कैसा परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो जरा अपने तरफ से भी कुछ सोचिए और राज्य के हित के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। हमारा मकसद और हमारा मुद्दा क्या है? हम सरकार को जगाना चाहते थे और हम अपने मकसद में आज हम कामयाब है। क्यों कामयाब है? क्योंकि सरकार भी जग चुके हैं और राज्य की जनता भी जग चुकी है। राज्य के जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि करप्शन को अब हमें लड़ना पड़ेगा, करप्शन से हमें फाइट बैक करना है, करप्शन को और बर्दाश्त नहीं करना है।
जब तक करप्शन के अंधेरे में हम लोग रहेंगे हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है। और उसके साथ साथ सरकार भी बहुत ज्यादा सरकार पहले जैसे सरकार नहीं रहा, अब का सरकार थोड़ा बहुत बहुत काम कर रहा है। हर दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल पेज में कुछ ना कुछ कारनामे आते रहते हैं कि सरकार ने ये काम किया है, सरकार ने वो काम किया है, सरकार ने उस जगह का दौरा किया है, सरकार ने उस मुद्दे पर चर्चा किया है। तो ये एक अच्छी बात है ना, दैट इज द साइन ऑफ ए गुड इनिशिएशन। एक हेल्दी प्रोस्पेरिटी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक अच्छी वो सिग्नल है, साइन है। तो हम खुश है, टीम ऐसी खुश है, चाहे जितनी भी हम यहाँ तड़प कर, हम यहाँ पर जितनी भी यातनाएं सहकर हम यहाँ धरने पर डटे रहे, फिर भी आप लोग वहाँ अच्छा काम कर रहे हो तो हम इसको अपना जीत मानते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए था सरकार से, डे वन से हमें कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई चाहिए थी, जो कि आप नहीं कर रहे थे तो हम मजबूर हो गए थे, विवश हो गए थे यहाँ तक पद यात्रा करके आने में। अब जब हमने अपना मुहिम जारी रखा तो आप इस बीच में कुछ अच्छे बदलाव ला रहे हो, कुछ अच्छे कार्य कर रहे हो जो कि हमारे जनता के हित के लिए है, ये बहुत अच्छी बात है, यही हम चाहते हैं। और इसी विषय में हम यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी के पास, देश के राष्ट्रपति जी के पास हम यहाँ आए हैं कि इन्हीं मुद्दों को हम उनके नजर तक लेके आए और हम उनसे मदद मांगे। अब जैसे ही आप लोगों ने हमारे तपी महाराज जी के परिवार और निकू दाव जी के परिवार के लिए संज्ञान लिया है, वैसे ही हम भी इसी मंच से खड़े होकर आपसे विनती करेंगे कि सीबीआई और ईडी की रिकमेंडेशन भी करवा दीजिए, ताकि हम भी यहाँ से लौटकर अरुणाचल आ सके, आपके पास अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता, अपने बहन के पास हम पहुँच सके। तो क्या जाता है सीबीआई और ईडी लगवाने में? सीबीआई और ईडी का रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट कर दीजिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई हर्ज नहीं होगी सीबीआई भेजने के लिए, ईडी भेजने के लिए। ये रिक्वेस्ट मैं यहाँ से करना चाहती हूँ।